तो स्टडी हार्ड स्टडी हार्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जीके के कुछ क्वेश्चन और बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट कह लीजिए आप, या आप ये कह लीजिए कि आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ये क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लेके क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर आप थोड़ा सा मतलब आप चाह रहे हैं कि अगर आपको डीप में पढ़ना है तो उसके लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिन लोगों ने पहले रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक स्टडी हार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ मिलते रहें और हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हो सके और एग्ज़ाम को लेके हमारा जो दृष्टिकोण है, जो हमारा रवैया है, वो अच्छा चलता रहे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आप क्वेश्चन इस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। ये एक क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन एक बन गया, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दो कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब आरंभ हुई। 1952 में आपकी कर्मचारी राज्य बीमा योजना आरंभ हुई थी, ठीक है। उसके बाद दोपहर भोजन योजना, जिसको कि हम MDM कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। दोपहर भोजन योजना की शुरुआत आपकी 1995 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दो क्वेश्चन में तोड़ते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पे है। तो वो आपकी कहाँ है, वो दक्षिण अफ्रीका में, उसका नाम है रेड रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना आपकी 1985 ईस्वी में की गई थी, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिडबी का मुख्यालय आपके बैंक के एग्जाम के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में, बैंक एग्जाम के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद ये आपका SSC रेलवे NDA वगैरह के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका भारत है, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्वेश्चन इस तरह से बिल्डअप हो सकता है कि दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, ठीक। ये अब भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, बहुत ही सरल है, बट एग्ज़ाम के पैटर्न से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। अधिकतर लोग इसका आंसर प्रकाश वर्ष लगा के आते हैं क्योंकि उन्होंने पारसेक इससे पहले सुना नहीं होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रकाश वर्ष है कि पारसेक है। पर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपकी प्रकाश वर्ष नहीं, पारसेक है, ठीक। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और एक पारसेक की वैल्यू होती है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मीटर में भी कन्वर्ट कर लीजिए कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3.08 × 10^16 मीटर, ठीक है। तो ये कुछ हमने 9 कुछ पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं जीके के। और भी वीडियोज आएंगे, उसमें हम और ज़्यादा पॉइंट डिस्कस करेंगे, बट सब कुछ एक साथ पढ़ाने से बढ़िया कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए बट उसको याद रखिए, ठीक है। बस यही मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि आप याद सब कुछ रखिए, उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपने सजेशन ज़रूर दें और स्टडी आर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।